गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर द एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम. दिस इज पार्ट 2.1 एंड दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक हनीकॉम. सो एंड दिस टॉपिक इज फॉर क्लास 7. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इट इज द सेकेंड पार्ट. Not long after that, the good old man dreamed again. Not long after that, the good old man, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, good old man ने फिर दोबारा से सपना देखा. And the spirit of the dog spoke to him. जो dog की spirit थी उसने उसे बोला, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. उसने उसे बताया कि किस प्रकार से उस wicked people ने किस प्रकार से उसको मिल को जो पाइन ट्री के द्वारा बनाई गई थी उसे किस प्रकार से उन्होंने उसे चॉपिंग कर चॉप किया है, काट दिया है और किस प्रकार से उसे जला दिया है. तो टेक द एशिज ऑफ द मिल, आपको जो उसकी एशिज हैं मिल की उसे लेकर आना है. स्प्रिंकल डैम ऑन द विदर ट्री, जो सूखे पेड़ हैं उस पर आपको उसे स्प्रिंकल करना है. एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्ट्रीट. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज बिग नेबर्स हाउस, दुष्ट नेबर हाउस के घर गया. वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड बेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस. एक स्क्वायर फायर प्लेस था जहाँ पर उस मिल को वो जला रहे थे. सो इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉन्ट दियर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेज फ्रॉम. ब्लेज क्या होता है, जो आग थी वहाँ पर अपने पैरों को और हैंड्स को वो वॉर्म कर रहे थे. फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. थोड़े सी जो मिल्क के पीसेस थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे, जल रहे थे, और जो बाकी थे उनके पीछे वो एक पाइल मीन्स एक ढेर जो था ब्रोकन पीस का वहाँ रखा हुआ था. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेस. जो गुड ओल्ड मैन ने बड़े ही प्यार से एशेस के बारे में कहा कि हमें थोड़ी सी इसकी राख दे दो. दो द कोवेटियस, कोवेटियस का मीन्स होता है ग्रीडी कपल, टर्न अप दियर नोसेस. उन्होंने अपनी नाक चढ़ाई एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम डाटा एज इफ ही वर अ थीफ. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस. उन्होंने उसकी जो बास्केट थी एशेस से उसे भरने दी. एशेस मीन्स होता बेटा राग. सो ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. इट बींग विंटर दियर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. जो उनका फेवरेट चेरी पेड़ था वो बिल्कुल बेयर हो चुका था. उस पर देर वॉज नो एनी लीव्स ऑन द ट्री. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसिस ऑन इट. उन्होंने एक चुटकी भर एसिस छिड़की एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स एंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर. एंड लो इट स्प्राउटेड, उसमें से स्प्राउटेड अंकुरित होना शुरू हो गया. जो ब्लॉसम्स थे यानी कि जो फूल थे वो अंकुरित होने शुरू हो गए. कब तक अंकुरित होते रहे, जब तक कि वो एक पिंक क्लाउड, जैसे एक क्लाउड होता है पिंक कलर का, वो पूरे में उस पेड़ पर खिलना गया और उसमें से परफ्यूम एयर जो थी वो परफ्यूम वाली एयर उसमें से क्रिएट होने लगी. सो द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज. पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई. एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर. और प्रत्येक व्यक्ति उस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ा. सो द कोवेटियस कपल आल्सो हियर द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसिस ऑफ द मिल कैप देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम. और वो भी उन्होंने भी एशिस को लिया और उन्होंने उसे फूलों को ब्लॉसम करने के लिए, खिलने के लिए वो भी चलते पड़े. द किंग ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, तो अब उन्होंने सुना कि उनके जो डेमियोज हैं वो उसी रोड पर आ रहे हैं. So students, this is the end of part 2.1. So this is also the some question answer questions which you are to solve. So students, if you see that why did the neighbor kill the dog, first question is that why did the neighbor kill the dog, ki neighbor ne dog ko kyu mara beta, because the greedy neighbors wanted that the dog would get find him the ट्रेजर. बट वॉट ही फाउंड, लेकिन उसने क्या पाया, अ डेड किटन एंड देर वॉज ए बैड स्मेल. दैट्स वाई दे बिकेम फ्यूरियस. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए. दैट्स वाई दे किल्ड द डॉग. नाउ दिस इज द टर्न टू सॉल्व द एमसीक्यू. मार्क द राइट देम
द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग. क्यों करते थे? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क. नो, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी एंड एज दे वर्क काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स. बेस्ट जो है आंसर वो बी है, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी. क्योंकि वो उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो. एंड सेकेंड इज वैन द ओल्ड कपल बिकेम रिच. वो ओल्ड कपल कब हुआ? गेव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड दियर ग्रीडी नेबर्स, या लिव्ड कम्फर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स दियर पुअर नेबर. जब वो ओल्ड कपल था, रिच हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डॉग को अच्छा खाना शुरू किया, ग्रीडी नेबर्स को इन्वाइट किया, लिव्ड कम्फर्टेबली. ये सी इज राइट आंसर. एंड द थर्ड इज द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल्क. जो लालची कपल थे उन्होंने मिल्क को उधार मांग कर ले गए. एंड द मॉर्टर टू बेक. क्या बनाने के लिए? राइस पेस्ट्री या मैजिक एस टू विन रिवार्ड या ए पाइल ऑफ गोल्ड. सो सी इज राइट, ए पाइल ऑफ गोल्ड. सो स्टूडेंट्स, यू आर टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सेप्ट दीज. ओके, थैंक यू.